हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 50 चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। जो भी बिगिनर्स है वो सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, देन कपड़े के ऊपर करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े के ऊपर करने से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट साइज की कटिंग करेंगे। आपको सिर्फ ब्लाउज पीस के ऊपर पेपर को रखना है और आपको कटिंग करनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए पेपर मैंने यहाँ पर लिया है, डबल फोल्ड लिया है। तो आप इसी तरह से डबल फोल्ड पेपर लेंगे और आपको यहाँ पर 50 चेस्ट साइज के लिए जो भी ब्लाउज परफेक्ट आता हो उस ब्लाउज की आपको यहाँ पर हाइट गिननी है। ये डबल फोल्ड ब्लाउज है क्योंकि दोनों भी हमारे जो पार्ट्स है एक ही में अलग हो जाएंगे, अलग अलग कटिंग करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की हाइट को नापेंगे। तो सपोज अगर ब्लाउज की हाइट 14 इंच की है तो आपको 15 लेना है, 15 है तो 16 लेना है। आपको किसी भी ब्लाउज के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हाइट यहाँ पर नापनी है। तो मेरे ब्लाउज की जो हाइट है वो 14.5 इंच की है, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच के ऊपर एक मार्क इस तरह से कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पर 50 साइज के लिए ब्लाउज बना रहे हैं तो गले की जो चौड़ाई होगी वो हल्की सी थोड़ी सी ब्रॉड रखेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर इसे रखेंगे 3 इंच के लिए, और जो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई होगी इसको हम रखेंगे 3.25 से लेके 3.5 इंच के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आर्म होल गिनना है। आर्म होल जो है हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच के लिए, और इस तरह से आर्म होल का जो निशान है वो हम बना लेंगे। अब यहां पर आपको इस तरह से टेप को रख के 50 चेस्ट साइज 50 का आपको चौथा हिस्सा लेना है। 4 हिस्से बना देंगे 50 के, तो यहां पर टेप को इस तरह से रखेंगे और 50 का जो चौथा हिस्सा है वो यहां पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 12.5 इंच होता है तो मैं यहां पर 12.5 इंच ले रही हूं इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलाना है, आप जितना भी मिलाना चाहे, तो जैसे आप मिला सकते हैं 1.5, 2 या 2.5 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं 1.5 इंच के लिए मार्जिन रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको ले लूंगी 14 इंच के लिए, ठीक है। ये जो इतना मार्जिन है हमारा 1.5 इंच, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, तो इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब जहां पर भी आपने हाइट को पूरा नापा है वहां पर आपको क्या करना है कि कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऊपर आपने 14 इंच को गिना है तो नीचे आप गिनेंगे 13 इंच के लिए, 13 इंच, 1 इंच आप कम करके लेंगे क्योंकि हमारे कमर का हिस्सा जो होता है वो हमारे चेस्ट साइज के हिस्से से कम होता है। तो यहां पर इस तरह से जोड़ देंगे, यहां पर भी इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमको आर्म होल लेना है। दोनों भी जो फ्रंट बैक पार्ट है ना हम एक ही साथ में कट कर रहे हैं, तो इसके लिए आर्म होल जो है हम यहीं पर गिन लेंगे। तो सबसे बैक साइड का आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच के लिए और फ्रंट साइड का लेंगे 1.5 इंच के लिए, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, इस तरह से पेपर को हम घुमा लेंगे और आपको यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाना है बिल्कुल गोलाई में, ठीक है। ये हमारा बैक साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब फ्रंट साइड की जो भी कटिंग जो भी मार्किंग होगी हम यहीं पर करने वाले हैं। तो इसके लिए जहां से आपने गले की चौड़ाई को नापा है वहां से आप गले की गहराई को नापेंगे इस तरह से नीचे की साइड में, ठीक है। जितने भी ब्लाउज की गहराई होगी सेम गहराई को आपको यहां पर लेना है, कम ज्यादा नहीं करना है। तो मैं यहां पर ले रही हूँ 7.5 इंच या 7 इंच के लिए, ठीक है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत डीप करेंगे तो बहुत डीप गला हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 3 इंच के लिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस साइड को जोड़ देंगे, इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी गले का शेप दे सकते हैं, आप राउंड शेप लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। मैं यहाँ पर 1 इंच अंदर गिनकर इस तरह से यहाँ पर राउंड शेप दे देती हूँ, ठीक है। आप कोई भी शेप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये टोटली आपका डिसीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको कटोरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, बेल्ट साइड जो होती है हमारी, जो आप बेल्ट साइड बोलेंगे उसको, बहुत क्रॉस पट्टी बोलते हैं, योग पट्टी बोलते हैं, इसको यहाँ पर गिनना है आपको। तो मैं यहाँ पर इसे एक साइड से ले रही हूँ 3 इंच के लिए और दूसरी साइड से 3.5 या 4 इंच के लिए आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। पेपर को अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से मैं यहां पर ले रही हूँ 3.5 इंच के लिए, ठीक है। यहां पर अब आपको इसको इस तरह से नीचे लाते हुए तिरछी साइड में इसको जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह से इसको जोड़ेंगे, नीचे से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से गोलाई देकर ऊपर लेकर आएंगे। अब यहां पर आपको कटोरी की साइड जो है वो ही नापनी है, तो इसी के ऊपर इस तरह से टेप को सीधा रखेंगे पहले, ठीक है। 50 चेस्ट साइज के लिए कटोरी की साइज हम लेंगे 6.5 से लेके 7 इंच तक, इससे ज्यादा मत लीजिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर 7 इंच के लिए मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब यहाँ जो है आर्म होल की साइड से हम यहाँ पर करेंगे 1.5 से लेके 1.25 इंच तक मार्किंग, ठीक है। ये जो हिस्सा है
ये 1.25 इंच तक या फिर 1.5 इंच का भी आप रख सकते हैं। गले की साइड से 1/2 इंच के लिए मार्क करेंगे। अब ये तीनों भी पॉइंट्स हम जोड़ेंगे बिल्कुल गोलाई में, ठीक है, इस तरह से। हाथ को उठाना नहीं है ज्यादा, अगर आप हाथ को उठा देंगे ना तो गोलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो हाथ को उठाने के सिवाय ही हमको इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज जैसे भी आपने इसकी मार्किंग करी है आपको ऐसे ही कटिंग करनी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, अगर आपको गला बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है तो यहाँ से आप लेंगे 1/2 इंच के लिए नीचे, ठीक है, 1/2 इंच 1/4 इंच के लिए नीचे लेके इस तरह से आप जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग करना भी इसका बहुत ज़्यादा आसान है। अभी दोनों पेपर साथ में है, दोनों पेपर को साथ ही में रखना है और आपको सबसे पहले नीचे की साइड से कट करना है। यहां से भी दोनों पेपर साथ है और अब करेंगे बैक साइड का जो आर्मोल होगा उसको कट करेंगे। फ्रंट साइड के आर्मोल को अभी कट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो यहां पर मैं जो भी बैक साइड का आर्मोल इसी को कट कर देती हूँ, पेपर साइड में हटाएंगे और जो आपने यहाँ पर डाउन दिया है इसको भी एज इट इज कट करेंगे। अभी भी दोनों पेपर साथ ही में है। अब इतना होने के बाद आपको दोनों पेपर को अलग करना है। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम रखेंगे साइड में। अब करेंगे इस वाले पार्ट की कटिंग। देखो यहाँ से हम इस तरह से इसको घुमा कर ले लेंगे, आप अच्छे से पहले घुमा कर ले लेंगे, मार्किंग अच्छे से करेंगे। बेल साइड को परफेक्टली कैसे कट करना है उसका पर्सनल वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। देखो इस तरह से बेल साइड को कट किया है। अब जो हमारा फ्रंट साइड का आर्मोल होगा इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से जो आगे का गला आपका बना होगा आप वो भी साइड कट कर लेंगे इस तरह। गोलाई में कट करेंगे क्योंकि हमने गोलाई ही बनाई है। आप कोई भी गले का शेप लगा रहे हो तो उस तरह से आप कट करेंगे। और ये है हमारा जो कटोरी का हिस्सा है वो इसको भी कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सभी पार्ट हमने साइड में हटा लिए हैं। अब जैसे नॉर्मली कटोरी को हम अलग पेपर के ऊपर बढ़ाते हैं सेम वही तरीका इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है बचा हुआ, वो ले लेंगे। इस तरह से बचा हुआ पेपर आपको लेना है, ये कटोरी जो है इसको भी लेना है और आपको इस तरह से इस कटोरी को फोल्ड करना है। यहाँ पर हल्का सा कट लगाते हुए सेंटर पॉइंट को याद रखेंगे और इस कटोरी को यहाँ पर एक पिन की मदद से हम लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड जो है कटोरी की आपको याद रखना है कि दोनों भी साइड में जगह छूटनी चाहिए क्योंकि हमको सब तरफ से कटोरी को बढ़ाना है तो सभी साइड से जगह को अच्छे से छोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कटोरी को टक कर देंगे इस तरह। अब देखो यहाँ पर भी जगह छूटी है, यहाँ पर भी है और नीचे की साइड में भी हमने जगह छोड़ रखी है। अब हमको सभी साइड से कटोरी को बढ़ाना है, मतलब कि तीनों भी साइड से, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। तो यहाँ से हम कटोरी को बढ़ाएंगे 1.5 इंच के लिए, 1.5 इंच यहाँ पर मैं लगा देती हूँ मार्क। अब सेंटर पॉइंट से नीचे कटोरी को बढ़ाएंगे 1.5 इंच के लिए। अब कॉर्नर पॉइंट से भी बढ़ाएंगे 1.5 इंच के लिए, ठीक है। अब तीनों भी डॉट हमारे यहाँ पर लग गए हैं। अब हमको यहाँ से जो ये गोलाई आपको नजर आ रही है यहाँ से आपको 1/2 इंच के लिए बढ़ाना है। ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा, इसको सिर्फ 1/2 इंच के लिए आप बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, जहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वहां से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और दूसरी जहां पर साइड है वो गोलाई में ही हम जोड़ेंगे। जैसे पहले हमने गोलाई में जोड़ा था सेम तरीके से हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पर भी इस तरह से इसको जोड़ देंगे। अब ये जो साइड थी हमारी ये गोलाई में थी, ठीक है, तो इसको गोलाई में जोड़ेंगे। बहुत ज्यादा बाहर से नहीं जोड़ना है, हल्का सा इस तरह से जोड़ेंगे। बहुत ज्यादा आप अगर बाहर कर दोगे ना तो कटोरी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे जोड़ना है। अब एज इट इज जैसे आपने मार्क किया है वैसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो कटोरी के लिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग यहाँ पर कर दी है। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ, स्लीव्स बिल्कुल शॉर्ट्स है। अगर आपके स्लीव्स बड़े हैं तो उसके लिए मैंने पर्सनल कटिंग वहां पर डाल दी है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ पेपर है, ये डबल फोल्ड है, ठीक है। दोनों भी हमारी जो स्लीव्स होती है वो ऐसे ही आपको निकालनी है कि आपको पेपर को 4 फोल्ड रखना है, तब जाके दोनों भी आपकी स्लीव्स अलग हो जाएंगी। अभी मैं आपको सिंगल पेपर पे बता रही हूँ। अगर आप इसको करना चाहें तो आपको पेपर या फिर आपको जो भी ब्लाउज पीस होगा उसको 4 फोल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझिए कि ये कपड़ा 4 फोल्ड है, ठीक है। अभी तो ये डबल फोल्ड है लेकिन ये 4 फोल्ड समझिए, यहाँ पर आपको लेना है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 इंच के लिए स्लीव्स बना रही हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट स्लीव्स है, अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हैं 10 इंच का स्लीव्स है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अस्तर वाले फैब्रिक के लिए
बिना अस्तर वाले फैब्रिक के लिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, आपका ये जो आर्मोल है इसको आप तिरछा गिनेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 इंच आ रहा है, तो यही 10 इंच की साइज जो है आप यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 10 इंच हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन मिला सकते हैं 1-1.5 या 2 इंच के लिए, ठीक है, तो मैं 2 इंच के लिए मार्जिन रख रही हूँ और ये हो गया यहाँ पर 12 इंच के लिए। अब यहाँ पर भी हमने 3 इंच लेना है, जैसे हमने वहां पर लिया था, तो एज इट इज यहाँ पर भी 3 इंच लेंगे और ये एक बॉक्स बनाकर इस तरह से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट बॉक्स बनाकर ले लेंगे। स्लीव्स कटिंग का सबसे आसान तरीका है कि आप बॉक्स पर ही बनाएं, बहुत अच्छी स्लीव्स कटिंग हो जाती है। अब हमको इसको यहां से नीचे डाउन देना है 1.5 इंच के लिए, ठीक है, ये जो डाउन दिया मैंने 1.5 इंच के लिए, अब इस तरह से आप डाउन देंगे और यहां से आप ले लेंगे 1 इंच के लिए, ठीक है, ये जो मार्जिन मैंने लिया ये 1 इंच का मार्जिन है, ठीक है। अब आपको देखो इस तरह से शेप देना है, आपने देखा होगा कि जो स्लीव्स शेप होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, एक ऊपर और एक नीचे साइड, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की साइड का शेप देंगे, तो जहां से 1 इंच गिना है ना वहां से नीचे इस तरह से घुमाते हुए यहां पर जोड़ देंगे। 1/2 इंच का डिस्टेंस हमने जो हमारा बैक और फ्रंट साइड का जो आर्मोल था उसमें 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा है, सेम है वो आप यहां पर रखेंगे, एक साइड आप नीचे से ले लेंगे और यहां पर जोड़ देंगे। अब ये जो साइड है यहाँ पर आपको आपके हाथों का गोलाई लेनी है, आपके हाथ का दंड घेर जो हम बोलते हैं हमारे हाथ का वो आप लेंगे, तो आपका अगर 13 इंच है तो आप उसका 1/2 करेंगे, 6.5 इंच 14 इंच है तो उसको 1/2 करेंगे, कुछ भी आपका दंड घेर बनता हो आप उसको 1/2 कर लेंगे और यहाँ पर इसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेरा 13 इंच है तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको 6.5 इंच के लिए मेजरमेंट दे रही हूँ। इसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका जितना भी हाथों का घेर होगा उतना आप देखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर अंदाजे से लिया, अगर आपका जितना घेर बनता हो, अगर आपका घेर सपोज 9 इंच का है, ठीक है, हम यहाँ पर मानते हैं 9 इंच का है, इसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो ये 11 इंच यहाँ पर हो गया। अब इस 11 इंच को आप इस तरह से जोड़ेंगे, देखो ओके। अब आप इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, सपोज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों भी जो हमारे पार्ट है वो निकल रहे हैं, यहाँ पर एक ही पार्ट के लिए आपको बता रही हूँ लेकिन पार्ट आपको दोनों भी अलग करने हैं। अब आप यहाँ पर इस तरह से ऊपर का पार्ट कट करते हुए यहाँ तक जाएंगे और यहाँ तक कट कर लेंगे, ठीक है। अब आप इस पार्ट को इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है, आपकी दोनों भी स्लीव होगी तो आप इस तरह से खोलेंगे और आप यहाँ से नीचे से कट करेंगे, ठीक है, नीचे की साइड कट करेंगे और जहां से आपने इसको शेप देना शुरू किया है वहीं तक कट करेंगे और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारी साइड हो गई पार्ट, इस तरह से हमने बैक साइड का पार्ट अलग किया है, इसी तरह से हमने फ्रंट साइड का भी पार्ट अलग किया और हमने यहाँ पर हमारी कटोरी की जो साइड थी इसको भी यहाँ पर अलग कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मैंने आज किया है 50 चेस्ट साइज के लिए, जो आपकी 50 चेस्ट साइज होगी जिसकी भी, तो 50 इंच चेस्ट साइज के लिए हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी है। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसको देखना है इसकी स्टिचिंग तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताती हुई चल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर कर देना, अगली वीडियोस को देखते रहना, वहां पर मैं अलग अलग साइज के लिए कटिंग्स और स्टिचिंग सब कुछ डालती रहती हूँ और इसी तरह से वीडियोज को अपलोड करती रहती हूँ। तो पार्ट में वीडियोज बनाती हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, समझने में भी आसान हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।